हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी दिस इज़ अंशु सो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी सेफ होंगे सो गाइस फाइनली जो ए की तरफ से यू पी काउंसलिंग के लिए यूजी का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था वो फाइनली अब आ गया है नोटिस आपको देखा होगा आपने देखा होगा नोटिस भी अब आ चुका है आप उसमें जो भी आपको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड के लिए वो आप देख सकते हैं जो ये रिजल्ट है वैसे वो सेवन ऑफ अक्टूबर को आने वाला था बट डिले हो गया एट्थ ऑफ अक्टूबर को ये आया मॉर्निंग में आया वो भी सेवन टू एट के अराउंड ही आया बट जैसे ही आपने रिजल्ट देखा हो कई स्टूडेंट ने तो रिजल्ट देखा भी नहीं होगा बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिजल्ट देखा और उसके कुछ एक या दो घंटे के बाद कि वो रिजल्ट जो है वहाँ से हटा दिया गया यानी जो लिंक था वो सब कुछ हटा दिया गया आप अपनी आई डी भी नहीं कर सकते थे तो कुछ ऐसा अब हो गया था अर्ली मॉर्निंग के टाइम तो अब ये फिर बताया भी गया कि ऐसा क्यों हुआ नोटिस ये निकाला गया ए की तरफ से ऑफिशियल एक नोटिस आया था कि जो सीट अलॉटमेंट था राउंड वन में उसमें कुछ कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे बहुत सारे स्टूडेंट के जो डिटेल थी वो गलत आई थी जो कि सीट अलॉटमेंट में रिजल्ट डिटेल थी कहीं स्टूडेंट का नेम में कुछ प्रॉब्लम थी कैटेगरी में जेंडर में और सीट अलॉटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा था तो इसलिए एकेटीयू ने दोबारा से इसे रिशेड्यूल किया टू पी uh, एम के बाद यानी आज एट्थ ऑफ अक्टूबर टू पी एम के बाद इसे दोबारा से बोला गया कि जो रिजल्ट है वो आ जाएगा उसके बाद ये रिजल्ट शाम को फोर टू फाइव के अराउंड आ गया था अब इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है या अलॉट हुई है या नहीं हुई है आपको विलिंगनेस इसमें शो करनी है यानी डिटेल आपको देनी है एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है फ्रीज फ्लोट जो भी आपको करना है ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्रो फ्रीज क्या है फ़्लोट क्या है आपको कब करना चाहिए कब आपको फ़ीस पेमेंट करनी चाहिए अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तब आप को क्या करना चाहिए सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो, जो कि एकेटीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल पर अभी आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए सो तो गाइस सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आप देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ये ओपन होगा लॉग इन करने के बाद ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ से आप उस रिज़ल्ट को इजीली देख सकते हैं देखिए आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर फोर स्टेप्स आपको दिख रहे हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विलिंगनेस सबमिशन सीट अलॉटमेंट फीस एक्सेप्टेंस एंड डाउनलोड प्रोविज़न लेटर तो हमने जो अलॉटमेंट था वो हमें देखना है तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर आएंगे ठीक है यहाँ लेफ्ट साइड पर आएंगे यहाँ पर ये यह सारे जो टैब्स हैं वो शो रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ देखिए जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू वाला जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा अब ये जो रिज़ल्ट है इसमें आपको सारी ही डिटेल दी गई होंगी कि क्या क्या आपने चॉइसेस जो जो किस चॉइस पर आपने वो फिल किया था क्या आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है और तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक स्टूडेंट का जो मैंने रजिस्ट्रेशन करके बताया था उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ जैसे आप वहाँ पर आप क्लिक करेंगे नीचे स्क्रोल करिए तो देखिए इस स्टूडेंट को आ, फ़र्स्ट राउंड में जो सीट है वो अलॉट हुई है और यहाँ पर आपको देखिए सारी डिटेल दी जाएगी इंस्टीट्यूट का नेम कोर्स का नेम सीट अलॉटमेंट एंड आपकी कैटेगरी एंड आपने जो भी चॉइस थी किस नंबर की चॉइस थी जो आपको अलॉट हुई है ये सारी ही डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से शो होंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप सिंपली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं आप सिंपली नेक्स्ट राउंड में जाएंगे वहाँ आपको सीट अलॉट होती है तो वहाँ से आप उसको विलिंगनेस सबमिट करेंगे कि आपको फ्रीज करना है फ्लोट करना है तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं सबमिट विलिंगनेस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम देखते हैं देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं फ्लोट करने के लिए एंड फ्रीज करने के लिए फ्लोट का मतलब क्या है अगर सपोज ये कैंडिडेट हैं अगर इन्हें किसी दूसरे राउंड में अगर ये अच्छा कॉलेज चाहते हैं फर्स्ट राउंड में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला सेकेंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज चाहते हैं या अच्छा कोर्स चाहते हैं तो इसको वो फ्लोट कर सकते हैं अगर आप इसे फ्रीज करेंगे तो फ्रीज़ का मतलब क्या है कि आपको ये कोर्स जो है वो कंपलसरी लेना ही होगा यही कोर्स आप लेना चाहते हैं एंड इसके बाद आप सारी ही जो डिटेल है वो यहाँ से फिल करेंगे जो भी एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करेंगे फीस में आपको बता दूँ ट्वेंटी थाउजेंड है जनरल ओबीसी के लिए एस सी के लिए ये जो फीस है वो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ है तो यहाँ से आपको सारी ही डिटेल देख लेनी है अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं तो फ्लोट पर क्लिक करेंगे फ्रीज करना चाहते हैं फ्रीज पर क्लिक करेंगे फ्रीज आप तभी करेंगे जब आप जब आपको ये एडमिशन लेना है इस वाले कोर्स में जिसमें भी आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है देन इसके बाद आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे उस कॉलेज में और पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो वहाँ से कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है फ्रीज़ और फ्लोट के इस स्टूडेंट का जो भी जो ये स्टूडेंट का मैंने आप यहाँ पर दिखाया आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ उन्हें फ्लोट करना है तो मैं यहाँ पर आपको फ्लोट करके बताऊँगा कि कैसे होता है सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा कैसे आपको फीस पेमेंट करनी है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि फ्लोट हमें कैसे करना है और मैंने आपको बताया जो फीस है वो जनरल ओ के लिए ट्वेंटी है और जो एस सी एस टी कैंडिडेट है उनके लिए ट्वेल्व थाउजेंड फीस है अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तब आपको फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी है तो ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउट में थे कि कब हमें फ़ीस पेमेंट करनी है तो मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है तो पुरानी सीट मतलब जो भी आपको अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप सिंपली आगे बढ़ जाइए कुछ भी आपको नहीं करना आप सेकंड राउंड में रहेंगे ठीक है अगर आपको फ्लोट करना है तो फ्लोट पर क्लिक करिए जैसे आप फ्लोट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है वो वाला जो कि आपने ई मेल मतलब जब आपने आई करी बनाई थी रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ वहाँ पर जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आप डालेंगे और यहाँ सबमिट विलिंगनेस वाला जो ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पर उसे क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस सबमिट uh, विलिंगनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपको देखिए शो हो जाएगा यहाँ पे जो विलिंगनेस थी वो आपको शो हो रही है कि हमने इसको फ्लोट पे डाला है एथ ऑफ अक्टूबर टाइमिंग आ जाएगी आईपी एड्रेस आपको वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा तो हमने जो विलिंगनेस uh, थी वो डिटेल हम भर चुके हैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पे एक्सेप्टेंस फीस यानी हमें जो सीट अलॉट हुई थी उसके लिए अब हमें फीस पेमेंट करनी है अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर स्टूडेंट को काफी ज़्यादा डाउट रहता है कि अगर आपने ट्वेंटी थाउजेंड जो पेमेंट है वो अभी कर दी आपने फ्लोट किया आपको सेकेंड राउंड में जाना है ट्वेंटी थाउजेंड आपने पे कर दी फीस और अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं आपके पास ये राइट right है कि आप जो फर्स्ट जो आपने सीट अलॉटमेंट में जो आपने फीस पे करी थी उस सीट के लिए वो सीट ले सकते हैं आप उसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि आप उस आपकी जो वो सीट है वो चली गई वो सीट अभी भी लॉक है इसीलिए तो आपने ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ फी पेमेंट करी है तो वो सीट आप ले सकते हैं और अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई तब आप ऐसा करेंगे पर अगर आपको किसी और सीट में किसी और कॉलेज में मिल गया एडमिशन तो जो पहले फर्स्ट राउंड वाली जो सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी अब आपको सेकेंड राउंड वाली जो सीट है उसमें एडमिशन लेना होगा या फिर आप चाहें तो और आगे राउंड में भी जा सकते हैं उसको दोबारा से फ्लोट में आप डाली डाल दीजिए पर आपको कोई दोबारा से एक्स्ट्रा फीस जो है वो पेमेंट नहीं है। तो आपको एक बार पेमेंट करनी है तो ट्वेंटी एडमिशन लेना होगा और जो एडजस्ट हो जाएगी तो के लिए ठीक है स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हमें ट्वेंटी थाउजेंड हर राउंड में पे करनी है क्या तो हर राउंड में आपको पे नहीं करनी आपको बार बार इसको फ्लोट कर सकते हैं और ये जो फीस है वो एक्सेप्टेंस फीस है ट्यूशन फी होगी जिस भी कॉलेज में आप एडमिट

जो सबमिट विलिंगनेस वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर चार ऑप्शन है तो सबमिट हमने विलिंगनेस कर दी है पे एक्सेप्टेंस फीस पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए पेमेंट वाला जो पेज है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर अभी थोड़ा देखिए अभी थोड़ा वेट करिए यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट वाला जो पेज है हमारा देखिए वो आगे लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा था तो देखिए यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड लिखा आ रहा है बिकॉज ये जो कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी है तो यहाँ से उनको ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ जो फीस है वो पेमेंट करनी है और ये मैं दोबारा बता देता हूँ ये जो है एडजस्टेबल फीस है ठीक है तो ये आप मुझसे कमेंट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे तो यहाँ पर पे गेट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देन उसके बाद जो फ़ीस वाला पे फी वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे वहाँ पर आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे क्रेडिट कार, कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं और फ़ीस जो इजीली वो पे कर सकते हैं सो इस चलिए मैं आपको ये लाइव पेमेंट करके दिखाता हूँ कैसे आपको पेमेंट करनी है देखिए जैसे आपने उस पर क्लिक किया यहाँ पर इस तरीके का मैसेज शो हो रहा है बट यहाँ पर आपको सेंड एनी वे वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है ये क्योंकि नॉट सिक्योर बता रहा है बट ये इस... पे फीस पेमेंट जो है वो हो जाता है आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको डिटेल दिख जाएगी फ़ीस पेमेंट दिख जाएगी डेट ऑफ आप बर्थ आपको मिल जाएगी एस बी आई एम ओ पी एस वाले पेमेंट गेट वे पर हम जाएंगे इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जिससे भी आप पे करना चाहिए आप उसको सेलेक्ट करके सिंपली पे कर सकते हैं फीस पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके का मैसेज शो होगा योर ट्रांजेक्शन हैज़ बिन कम्प्लीटेड सक्सेसफुल यानी जो पेमेंट थी वो डन हमारी हो चुकी है यहाँ पर गो बैक वाला जो ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हमारे फोर स्टेप में से थ्री स्टेप कम्प्लीट हो चुके हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम देख चुके हैं विलिंगनेस सबमिट कर चुके हैं एंड फीस भी हम सबमिट कर चुके हैं कर चुके हैं अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अब हमें ये लेटर डाउनलोड करना है आप लेटर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आप फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बट देखिए यहाँ पर जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सारी डिटेल भी आपको शो रही है यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तो ये प्रोविजनल लेटर है आपको इसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं ठीक है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी पर देखिए यहाँ पर ये यह जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर ही ओपन होगी डेस्कटॉप या पीसी पे आप इसे ओपन करके देखिएगा लैपटॉप पे वो ये फ़ोन पे ओपन नहीं होगी ठीक है तो आप इसको डेस्कटॉप पर ओपन करके देखिए आपका जो पी है वो डाउनलोड हो जाएगी उसके उसको अपने पास रख के ईजिली आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने पास सेफ इसे रख सकते हैं तो चलिए ये था हमारी वीडियो मैंने ने आपको इसमें बताया कि कैसे आपको फी पेमेंट करनी है कब फ्लोट करना है कब फ्रीज करना है कैसे फीस डिटेल थी ये सब मैंने आपको लाइव करके दिखाया है आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो गई अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ए के टी यू की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जो अपडेट हैं वो सबसे पहले टाइम टू तो टाइम मिल जाए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर कई ए के टी यू के एस्परेंट्स हैं जो कि आपस में चैट्स करके एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पर आप इजिली ज्वाइन हो सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में